अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यम्मी से कच्चे कीमे के कबाब। जिस तरह से अम्मी प्रिपेयर करती थी बिल्कुल उसी तरीके से इसको प्रिपेयर करूँगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg कीमा। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। 1 teaspoon सॉल्ट, 1.5 tablespoon धरधरा कुटा धनिया, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon पिसी काली मिर्च, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon ऑयल, 1 अंडा, 1/2 teaspoon कचरी पाउडर, 2 tablespoon बेसन, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon कुटी लाल मिर्च, 1 tablespoon अदरक लहसुन पेस्ट, 10 से 12 अदद पुदीने के पत्ते, हैंडफुल धनिया, 1 लार्ज साइज़ का प्याज है, इसको मैंने ग्रेट करके स्क्वीज़ कर लिया है इसका पानी, और 2 अदद बारीक कटी हरी मिर्चें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल में ऐड कर देंगे कीमा, इसमें ऐड कर देंगे ग्रेटेड प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, हरा धनिया और पुदीना मैंने बारीक कट कर लिया है, कचरी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, पिसा गरम मसाला, चाट मसाला, सॉल्ट, धरधरा कुटा धनिया, बेसन, अदरक लहसुन पेस्ट, ऑयल, ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 अंडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। जितना हम रोटी के लिए एक पेड़ा लेते हैं चपाती के लिए, उतने ही साइज का हम इसका एक बॉल प्रिपेयर करेंगे। दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इसको कबाब का शेप दे देंगे, देखिए इस तरह से। बाकी सब भी मैं इसी तरह से प्रिपेयर कर लूंगी। देखिए मैंने सब प्रिपेयर कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। साइड टर्न करेंगे, एक साइड से तकरीबन 6 से 7 मिनट कुक करेंगे और दूसरी साइड से भी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इन पे। बाकी सब भी मैं इसी तरह से प्रिपेयर करती जाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत बनके तैयार हुआ है, मैं आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट प्रिपेयर हुए हैं ये। अब इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, यमी कच्चे कीमे के कबाब तैयार हैं। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आए और आके टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज, हमारे घर में आज बने हैं बहुत ही मज़ेदार सबकी पसंदीदा डिश, और ये बने हैं कच्चे कीमे के कबाब। माशाल्लाह प्रेजेंटेशन देखिए गाइस, और ये ज़बरदस्त सा जो बनाया फ्लावर खीरे से शुमाला ने, कुकम्बर से, तो ये बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत आई कैचिंग लग रहा है प्लेटर। तो गाइस मैं टाइम नहीं ज़ाया करूँगी क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बड़ी बेचैन कर रही थी, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना। ओहो, देखिए ना, सॉफ्ट ना मुलायम, और चटनियाँ मेरे साथ सर्व हैं। पहले मैं आपको सादा खा के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माला, तुम्हारे लिए क्लैपिंग ही क्लैपिंग ही क्लैपिंग ही क्लैपिंग है। क्या यार इसका टेस्ट है, ना सॉफ्ट मुलायम मजेदार हो रहा है, इसमें इतने मजे के मसाले हैं, ना मजेदार है यार, मेरे दिल को ना यहाँ सुकून मिल रहा है। इट्स अमेजिंग, बहुत मजे का है, इतनी मजेदार सी ये चटनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा रायते में डिप करते हैं।
माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है। ये घर में बनाई हुई पूरी है, देखिए कितनी अमेजिंग सी पूरी है। और मैं बाइट लेने जा रही हूँ पूरी से, ये देखिए पूरी के साथ बहुत अमेजिंग लगता है। डिप करेंगे चटनी में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तुम्हारे खाने का दुनिया भर में जवाब नहीं है तुम्हारा। मैं कहीं भी चली जाऊं ना, मुझे इसके हाथ का खाना, अमेजिंग जायका, अमेजिंग टेस्ट, इतनी नरम मुलायम सॉफ्ट सी पूरियां। गाइस दिस रेसिपी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आपने जरूर ट्राई करनी है, इट्स अ टेरिफिक रेसिपी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। गाइस इतनी जबरदस्त रेसिपी है, गेस्ट को सर्व करें, लंच बॉक्स में हस्बैंड्स को दें, घर में सर्व करें, सबको बहुत मजा आएगा खा के, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।